तो माय फ्रेंड, ये मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए हैं और इतना लहसुन ले लिया है, ये भी 3 गांठ लहसुन है। और ये मैंने मिक्सर जार भी धो लिया है, इसी में सब कुछ डाल देना है। कुकर गरम हो चुका है, हम इसमें सरसों का तेल डाल लेते हैं। ये 1/4 किलो तेल से ऊपर है। अब मेरा चिकन है 1 किलो, और यहाँ पे मैं मसाला डाल रही हूँ। 2 चम्मच मिर्च ले ली है और 2 चम्मच धनिया, मैंने 1/2 चम्मच हल्दी ले ली है। और ये लिया जीरा, इसी में 2 बड़ी इलायची, 3 बड़ी इलायची ले ली है, और थोड़ा काली मिर्च लेना है। और 6 छोटी इलायची लेनी है। ये तो मैं निकाल रही हूँ ना, उसी में एक ही में थे, तो इन सबको धो लेना है। और जायफल भी लिया है मैंने, धोकर मैंने इसी में डाल लिया सारी चीज को। छन्नी में धुलने से आसानी रहता है कि ये जीरे वीरे बहते नहीं। और फिर हम ढक्कन लगा के पीस लेंगे। मेरा जो है तेल गरम हो चुका है, और इसमें मसाले हम डाल लेते हैं सारे। तो मैंने 3 आलू ले लिए थे, और मेरा मसाला भुन रहा है। हमें इसी वक्त आलू को भी इसी में भून लेना है, क्योंकि भूनेंगे नहीं तो थोड़ा आलू स्मेल करता है ना। ये आलू मैंने डाले, तो सारे आलू डाल के हमें आलू भूनना है, साथ साथ मसाला भी भूनता जाएगा। और इसी जगह पे हमें नमक भी डाल लेना है। एक किलो चिकन है, और सारा डाल लिया है मैंने, मसाला भुन गया मेरा।
इसको डालकर हमें भूनना है, क्योंकि थोड़ा मसाला भुन जाता है ना तो सही रहता है, फिर कच्चापन की गुंजाइश ही नहीं होती है। तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, चावल बन गया है। और मेरा गोश्त भी भुन चुका है। अब इसमें हम पानी लगा लेंगे। तो मेरा गोश्त भुन चुका है, अब हम पानी इसमें डाल लेंगे। जितनी ज़रूरत है मुझे ना, ग्रेवी जितना मतलब मुझे रखना है उसी हिसाब से पानी डाल लेंगे। तो पानी डालकर हम इसको चला लेंगे, फिर नमक चेक करना है, नमक चेक कर लेंगे। और फिर ये उबाल आ जाएगा ना इस पानी में, तो ये तैयार हो जाएगा। फिर हम धनिया भी डाल देंगे। तो खाना लग गया है गाइस, आप लोग भी खा लीजिए, हम जा रहे हैं खाने।